कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश मामले में अब एक एक्शन शुरू हो चुका है। एटीएस ने मौके से सबूत जुटाए हैं। देर रात मौके का एटीएस ने मुआयना किया था और कुछ सबूत जुटाए गए थे। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बची। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर मिली थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए इस वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि आजकल ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जब ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जाती है और विस्फोटक साजिश जो है वो नाकाम कर दी गई है। हालांकि जो ट्रेन का जो लोको पायलट था उसने बहुत सूझबूझ दिखाई और ट्रेन डिरेल होने से बच गई। हालांकि इस दौरान थोड़ा झटका जरूर लगा, सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। एटीएस की टीम मौके पर पहुंची है, मुआयना कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की साजिश रची गई थी। और ये पांच तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर जो सिलेंडर रखा गया था वो भी आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल बम भी यहां से बरामद कर लिया गया है। संदिग्ध बैग और सफेद पाउडर भी यहां से मिला है। ट्रैक पर विस्फोटक साजिश को नाकाम करने की कोशिश में जो टीम है वो जुटी रही और जांच में अब एटीएस की टीम जुट गई है, मौके पर पहुंची है, तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक साजिश जो है वो लगातार देखी जा रही है और इससे न जाने कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। ट्रेन को डिरेल करने की जो कोशिश थी वो नाकाम कर दी गई है। जो ट्रेन का लोको पायलट है उसने बहुत सूझबूझ दिखाई और उसने गाड़ी ट्रेन को धीमा कर लिया था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। ट्रेन डिरेल होने से बच गई। एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजिशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई। पिछले कुछ महीनों से रेलवे ट्रैक पर साजिश के कई सबूत मिले हैं। कई ऐसी खबरें हैं कि ट्रैक पर कहीं पहिया तो कहीं पत्थर रखे गए और अब कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया गया। इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला देखिए आप भी। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान